दरेडियन स्कूल में हुई घटना से सीएम की जांच के बाद अब अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया अब तक। पालकों ने सवाल उठाते हुए कहा है कि ये कैसी जांच है जिसमें एसडीएम बंद कमरे में कर रहे हैं जांच को, किसी से कोई संपर्क नहीं किया गया। अब तक एसडीएम ने स्कूल के प्रिंसिपल से बयान नहीं लिया। पालकों ने मीडिया के माध्यम से कहा कि हम कुछ दिनों का इंतजार करते हैं और अगर प्रबंधक को नोटिस नहीं दिया गया तो स्कूल के सभी पालक आगे आकर स्कूल के खिलाफ वो ठोस कदम उठाएंगे। बच्ची की स्थिति अभी ऑपरेशन के बाद बिस्तर पे है, 2 महीने तक वो बिस्तर पे ही रहेगी, पर तकलीफ में है और ठीक है, लेकिन जानलेवा कोई परेशानी की बात नहीं है उसमें। और आज जो प्रेस वार्ता की गई थी वो इसलिए की गई थी कि बच्ची की जानकारी है, वो हम लोगों को पालकों को जो एक जनरल एक परेशानी का सामना करना पड़ा है उसमें पूरे इस प्रकरण में, और हम जो चाहते हैं कि ये जो केस हुआ है उसके प्रति पूरी तरह से एक निष्पक्ष जांच, जो भी अच्छा उत्तर, जो भी एक सही एक्शन है उसके खिलाफ लिया।